पाकिस्तानी सीमा हैदर बार बार बयान बदल रही है, इससे उसकी कहानी उलझती ही जा रही है। दो दिन की एटीएस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा का ये जो कांड चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ सचिन का है। टीवी 9 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीमा हैदर और सचिन ने नेपाल में हुई मुलाकात से पहले ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। दोनों ने प्लान बना लिया था कि आगे चलकर उन्हें कहां रहना है और कब क्या बयान देना है। पूरे मामले में पता ये भी चला है कि सचिन ही सीमा को नेपाल में 3 आधार कार्ड देकर आया था, जिसमें 1 आधार कार्ड सीमा का था और 2 आधार कार्ड बच्चों के लिए दिए थे। मतलब जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है उसका रचयिता सचिन है। बताया जा रहा है कि सचिन ने किसी एजेंट की मदद से ये सभी पहचान पत्र बनवाए थे। अब यूपी एटीएस इस बात को लेकर भी जांच कर रही है। इसके अलावा एटीएस सचिन की मदद करने वाले की भी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीमा और सचिन नेपाल में 7 दिनों तक साथ साथ रहे और इसी दौरान सचिन ने सीमा को सभी आधार कार्ड सौंप दिए थे। इन्हीं आधार कार्डों के जरिए सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। आधार कार्ड होने के चलते ही वो भारत में अब तक बचती रहे। सीमा हैदर और उसके बच्चों के फर्जी आधार कार्ड के बारे में जब सख्ती से पूछताछ की गई, उसके बाद ये सारे राज खुलकर सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड बनाने वाले भी पुलिस की राडार पर है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि फर्जी दस्तावेज कैसे और कहां से तैयार किए गए। अब इस मामले में भी धारा बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में पल पल नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान से भारत आने तक की उसकी कहानी में कई पेच नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियां उसकी सारी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। अब तक सीमा के कई झूठ सामने आ चुके हैं। वो अब अपने बयान बदलती ही जा रही है और जो बयान देती है उसके साक्ष्य संदिग्ध मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन दोनों ने ही अब तक मीडिया से की गई बातचीत में अपने बारे में गलत और भ्रामक सूचनाएं दी हैं। सचिन नेपाल में शिवांश नाम से ठहरा था। पूरे मामले में SFL की टीम भी दोनों के बयानों और सबूतों की जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि अब सीमा और सचिन पर सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ का केस भी दर्ज हो सकता है और इस मामले में 7 साल की सजा हो सकती है। यूपी ATS फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही साथ इस बात की भी जांच कर रही है कि सीमा दिल्ली NCR के कितने लोगों के संपर्क में थी। ATS इसके लिए गेमिंग ऐप एक्सपर्ट की मदद ले रही है। कितने युवक सीमा के साथ पबजी खेल रहे थे, पहले इन युवाओं की तलाश की जाएगी। पूछताछ के दौरान यूपी ATS सीमा की हाजिर जवाबी से हैरान थी। सीमा ATS के हर सवाल का बहुत ही नपातुला जवाब दे रही थी। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक सीमा के नाम का ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।